दस ई एस यू और द्रव्यमान जो हमारा ग्राम में है 9.109 10 28 ग्राम और जो ये न्यू में है एटॉमिक मास का यूनिट में है 0.00005486 में परिवर्तित किया गया है जिसके खोजकर्ता जी हैं जे जे थॉमसन 1897 प्रोटॉन को पीछे एस डैश धनावेश जिसका मान प्लस वन 10.602×10⁻¹⁹ कूलम या +4.08×10⁻¹⁹ ESM, ESU, जिसमें हम द्रव्यमान ग्राम में प्रदर्शित करते हैं 1.672×10⁻¹⁴ ग्राम द्रव्यमान को एमयू में प्रदर्शित करेंगे 1.00727 रदरफोर्ड 1919 तीसरा हमारा है न्यूट्रॉन जिसे स्मॉल एल से प्रदर्शित किया जाता है 0.01 विद्युत उदासीन होता है जिसमें 1.675×10⁻¹⁴ ग्राम और एमयू को एटॉमिक मास के रेट में 0.00867 जो हमारा चैटी 1932 इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन क्या देखेंगे इलेक्ट्रॉन 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 का आविष्कार इलेक्ट्रॉन का आविष्कार 1897 ईस्वी में जे जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप किया था किया था अब सूक्ष्म श्रेणा में इसकी मूल पर है काफी सूक्ष्म श्रेणा बेसिक मूल कण है मूल कण है एक इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है जिसका मान -1.602×10⁻¹⁹
दस घाते माइनस उन्नीस कूलाम होता है। दूसरा देखेंगे प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन की फोर्स इलेक्ट्रॉन की विशेषता है। नंबर एक, इलेक्ट्रॉन की विशेषता है निम्नलिखित इस प्रकार है। इलेक्ट्रॉन परमाणु का भौतिक गण है। इलेक्ट्रॉन
ग्राम परिणाम है 106.02 गुणे 10 घात माइनस 19 कूलम। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए का मान सदा स्थिर होता है। ई अपान नियम जहां ई इलेक्ट्रॉन का आवेश बटा इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान तो बराबर क्या हो जाएगा 1.759×10⁸ कूलम प्रति ग्राम जहां पर द्रव में विद्युत का जो प्रवाह इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं का मूल्य करते हैं। इसके निम्न प्रमाण है, सभी